लोग विपक्ष में हैं तो लोग सोचते हैं कि हम लोग विरोध ही करेंगे, लेकिन मुझे मेरी निजी राय है कि ऐसा हरगिज नहीं होना चाहिए कि चूंकि आप विपक्ष में हैं तो हर वो चीज जो आपको अच्छी भी लगती हो और कंट्री के लिए भी बेनिफिट देती हो तो उसके लिए हम सिर्फ इसलिए विरोध करें क्योंकि हम विपक्ष में बैठे हैं। तो मेरी निजी राय है कि जो 370 हटा है, जो टेम्परेरी था, हटना ही था, हमारी गवर्नमेंट ने भी बहुत सारे जो क्लॉज थे उसमें से हटाए थे, तो एक बार 370 हटना था और हटा, तो मुझे लगता है कि मेरी राय में ये सही हुआ। मैं एक बार जरूर बोलूंगी कि जब मझधार में नाव हो और खेवनहार हमें नहीं मिल रहा हो तो नाव को खुद ही खेना पड़ता है, तो ये मतलब आप भी समझेंगे, शायद सुनने वाले भी समझेंगे। ये मेरा निजी राय है और मुझे जो एक इंडियन सिटीजन होने के नाते, और मेरे पेरेंट्स खुद कश्मीरी पंडित हैं और जम्मू में सारे रिलेटिव हैं, और जो उन्होंने भोगा है और जो हम लोगों ने एज अ टूरिस्ट कश्मीर में आप जाते हैं जो फील आती है, आप इंडिया में हो लेकिन कश्मीर अलग सा क्यों लगता है, अदर टूरिस्ट प्लेस से अलग सा क्यों लगता है। इवन कश्मीरी भी जब अदर स्टेट आते हैं कहीं रेंट पे रूम लेने के लिए बात करते हैं तो उनको अपवाद की स्थिति से देखा जाता है। तो मुझे लगता है कि अगर आम कश्मीरियों की भी बात कहूँ तो मुझे लगता है उनके लिए भी बहुत सही कदम हुआ और उनको भी अब वो सारी फैसिलिटीज मिल पाएंगी जो पूरे इंडिया को मिलती है।